नमस्कार। ये चने की फसल बोने से पहले वेस्ट डी कंपोजर और माइक्रो न्यूट्रिएंट के माध्यम से बीज प्रक्रिया करके इसकी बुआई की है। अभी तक इसको पहले सिंचाई के साथ में वेस्ट डी कंपोजर प्रति एकड़ के 1000 लीटर स्प्रिंकलर के माध्यम से इसको छोड़ा है, और दूसरी बार वेस्ट डी कंपोजर के अंदर जीवामृत बना के दूसरी सिंचाई के साथ में दिया है। और पहली बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 10% लेकर स्प्रे किया है, और दूसरी बार 2 लीटर छाछ प्रति पंप पर लेकर स्प्रे किया है। तो अभी तक चने की फसल इस पोजीशन में वेस्ट डी कंपोजर के माध्यम से है। ये है लहसुन। अभी तो इसको सिर्फ वेस्ट डी कंपोजर स्प्रिंकलर के माध्यम से छोड़ा है, और एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम दोनों का स्प्रे करा हुआ है। आप देख सकते हो अभी तक इस तरह से लहसुन की पोजीशन है। मैं एक लहसुन उखाड़ के दिखाना चाहता हूँ। देखिए अभी तक ऐसी पोजीशन है। पानों की साइज कुछ भी इस पर बीमारी नहीं है, स्वस्थ है।